अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई हशमत गनी ने अफगान हालत के लिए ट्रंप और बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया है। टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर अशरफ गनी काबुल नहीं छोड़ते तो उनकी हत्या हो जाती। अफगानिस्तान में हालात भयावह हैं। तालिबानी हुकूमत आने के बाद से ही अफरा तफरी मची हुई है। इस हालात के लिए पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई हशमत गनी बाइडेन और ट्रंप को जिम्मेदार मान रहे हैं। दो आदमी इसके सारे जिम्मेदार, ट्रंप और बाइडेन। ट्रंप ने जब कतर में फैसला किया कि बगैर अफगान लोगों में और बगैर अफगान हुकूमत में उसके बैठ कर तालिबान के साथ वायदा किया कि वो निकल जाएगा अफगानिस्तान में, उसी दिन से अफगानिस्तान खत्म हो गया, अफगान गवर्नमेंट खत्म हो गया और बाइडेन ने फाइनल सील लगा दिया। टीवी 9 भारतवर्ष से खास बातचीत में हशमत गनी ने कहा कि अगर अशरफ गनी काबुल नहीं छोड़ते तो उनकी हत्या हो जाती। आखिरी दिन उसका एक असैसिनेशन प्लॉट बन रहा था। वो खुद डिटेल करते थे कि वो मर जाए, अमरुल्लाह साले प्रेसिडेंट बन जाए और झगड़ा और भी ज्यादा हो जाए। हशमत गनी ने भारत के साथ अफगानिस्तान का दिल का रिश्ता बताया और कहा कि ये हमेशा मजबूत रहेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।